ये देखो बादल कितने घने हैं आज। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो शाम का टाइम हो रहा है, 7:30 हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी काम करने में, डिनर बनाने में। और आज बनाना भी क्या है मुझे करेले, जिसमें मैं ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो अभी मैं देखो तब से यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे करेले मैंने वो कर दिए हैं। तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी में भी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। ये बस मैं झटपट फटाफट बना लूँगी, अभी टाइम नहीं है मेरे को, 8:30 बजे तक डिनर तैयार करके रखना है। तो अभी मैं ये फटाफट काट लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर तक। सो गाइस, यहाँ पे करेले जो है मेरे फ्राई हो रही है, मुझे मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको, नहीं ये कड़क हो जाएंगे और इसका कड़वापन भी नहीं जाएगा। ये मैंने इसलिए एक दिन थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे करी, जो 3-4 करेले हैं मुझे लास्ट में डालने पड़े थे, इसलिए इसको मैं अब लो फ्लेम पे करूँगी। देखो जब करेले बनाने होते इतना खलारा पड़ता है घर में। तो अभी मैंने इसको ना पोचे के साथ ही समेटना है। और ये मेरे फ्राई के लिए ये 2-3 करेले ऐसे ही पड़े हैं, एक करेला तो इस 2 करेले तो इसमें से ख़राब हो गए। प्याज अभी कट करना, ये भी कम है प्याज मेरा। ये देखो ये 2 है ना, जो पतीला देखो कैसे उल्टा कर रखा है डुगू ने। सो आज ही किचन है, किचन के आज मैंने पर्दे कर्टन्स है जो निकाल दिए वॉश करने के लिए। और ये मैं हूँ ऑलवेज जैसे हूँ वैसे ही। और ये पतीला रखा है उल्टा करके। ये देखो ये चेयर्स ना इसके पापा लेके आते हैं इन दोनों के, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अमृतसर गए थे वो, वहाँ से लेके आए थे 2 डुगोर खुशी के लिए। सो अभी मैं प्याज कट कर लूँ। सो मैं यहाँ पे अंदर किचन में जा रही थी डिनर बनाने के लिए, और मैंने मिरर है सामने जो दिख रहा है जिससे, और शाम का टाइम था, रात का हो गया था ऑलमोस्ट, 8:30 हो गए थे। मैं कल बहुत लेट हो गई थी क्योंकि बैठ बैठ के ना मेरा टाइम निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता है कि मैं कब कितना टाइम हो जाता है। सो आज भी मैं अभी तक बैठी हूँ, देखो 6:30 होने वाले हैं। तो अभी मैंने एडिट किया, देखो आज सारा दिन इतनी सुस्ती हुई कि बस मौसम ठंडा था, बारिश वाला था। अभी एडिट करके जस्ट मैं ना 7 के साथ ही अपलोड कर दूंगी ये वीडियो, क्योंकि चाहे नॉर्मल व्लॉग है चाहे कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि डेली व्लॉग्स जाए मेरे। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर डुगू आएगा शरारत करने के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करता है यार। आके एकदम से उसने ना फ्रिज खोल दिया, यहाँ पर 1-2 प्याज कम पड़ रहे थे, मुझे लगा कि मैं कट कर दूँ, क्योंकि करेलों में आपको पता है कि फिलिंग करनी होती है, फिर उसका भुर्जी बनानी होती है। कई लोग देखो आ गया, मैं आपको दिखाई देती हूँ यार, इतना परेशान था, फ्रिज खोल दिया इसने आके, दही मांगने लगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको दही देती हूँ। तो मैं दही निकालने के लिए चली गई, इसने दोबारा फिर से फ्रिज खोल दिया। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना कि आपको पता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बारिश का मौसम वैसे हो रहा है तो पता नहीं लगता ना कि कब करंट लग जाए, ये मानता ही नहीं है। तो मैंने इसको डांट लगाई जोर से, भी दही लेकर चला गया अंदर रूम में, और दिख भी रहा है आपको साइड में। तो और उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ बस मैंने मेरे करेले बन गए। और यार मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट है करेले, अब तो करेले बनते ही रहेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी थी और अभी की नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने देख लिख ली। और काफ़ी हद तक जो हो गए हैं उनको निकाल देती हूँ, नहीं ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए क्रिस्पी, तो देखना किस में निकाल देते हैं मेरा, जो मैंने लास्ट में 3 करेले डाले थे ना वो मेरे फ्राई हो गए, तो मैं अभी एकदम हाई फ्लेम पे करके फ्राई करती हूँ। करेले इज ऑलमोस्ट रेडी। डर लगता है जल ना जाओ कहीं। ये 3 करेले मेरे लास्ट के करेले थे जो मैंने लास्ट में डाला था, क्योंकि पहले कटे में आ नहीं रहा था। ये क्या दिख रहा है? अच्छा ये मेरी तेल की बॉटल, सॉरी कैन। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, पहले मैं इसको डालूंगी, जब ये थोड़ा बहुत फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको डालूंगी। वैसे मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी, मैंने पहले कर दी थी। और पहले मैं ना अब ये बालों को थोड़ा सा वो कर लूँ, इकट्ठे कर लूँ, मैंने आज लेट हेयर वॉश किया था ना, तो इसीलिए मेरे बाल थोड़े से खुले रह गए, ऑयलिंग की थी उस चक्कर में लेट हेयर वॉश कर लिया। तो मैंने प्याज भी कट करके रख दिया है, और मुझे अभी जो कट करना है, सॉरी ये वॉइस में चॉपर में चॉप किया है मैंने, ये मसाला जो मेरे को करेलों में भरना है
फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खीरे लेके आई थी और कुछ हरी मिर्च थी वो साफ़ करके धो के रख दूँ वॉश करके, और मैंने चटनी भी बनानी थी साथ में। मैंने वो चटनी मैंने यार इतनी अच्छी हरी चटनी बनाई जो अदरक हरी मिर्च और धनिया के साथ बनती है, जो इस टाइम पे सबको पसंद है और हमारे पंजाब में तो कुछ ज़्यादा ही, पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी लोगों में कुछ ज़्यादा ही बनती है वो। सो अभी मैं फ्रिज में खीरा लगा दूँ क्योंकि ठंडे हो जाएंगे जब तक खाना होगा, और दही जमाने के लिए सोच रही हूँ मैं कि दही जमा लूँ, बट मैंने जमा लिया था पर मेरा फिर भी एक पतीला जो है दूध का बचा हुआ है। सो गाइस ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और आज मौसम है जो एकदम अच्छा हो रखा है, सो अभी मेरा मन था कि मैं छत पे जाऊँ बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको मौसम ऐसे दिखा देती हूँ, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बाहर बारिश का, सुबह से बारिश पड़ रही है आज। और आज मैंने पकौड़े बनाए, आज मैंने पिज्ज़ा मंगाया पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पकौड़े बनाते हुए कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। सो ये देखो मौसम आज बारिश आज बारिश का मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा, हो भी रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी हो रही है। मेरी गैलरी का हाल देखो, मुझे गैलरी की सफाई करनी है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको मौसम। ये देखो बादल कितने घने हैं आज, काले काले बादल और बारिश भी हो रही है। तो अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और छत में जाना है मेरे को, थोड़ा सा काम है वो दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। अगर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी तभी दूसरा वीडियो शुरू करूँगी, और वो नाइट टाइम था, आज दूसरा दिन का दोपहर हो गया है और तब जाकर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। देखो काम हमारे ऐसे है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और ये मैंने कल वेयर किया था, अफसोस के भी नहा के फिर चेंज करूँगी। और ठीक है, बाय, लव यू। न्यू है तो कोई भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।